फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपको अपने गार्डन का, विंटर गार्डन का इवनिंग व्यू दिखा रही हूँ। एक्चुअली बिल्कुल थोड़ा सा और अंधेरा होता वो वाला व्यू तो नहीं दिखा रही हूँ। फाउंटेन अभी नहीं चलाया है, फाउंटेन चला के एक दिन और दिखा दूँगी आपको। तो 6 बजे के करीब का व्यू दिखा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती थी कि अब मार्च की 10 तारीख आने वाली हो गई है और अब जो प्लांट्स हैं ये इनकी जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इन्होंने ब्लूम करना था करके अब ये धीरे धीरे जो है वो, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है छत पे हमारे यहाँ पे, इतनी तेज़ कि मैं अब, पहले मैं 10-11 बजे पानी दिया करती थी और अब मेरे से ऊपर आया ही नहीं जाता है। बहुत जल्दी पानी दे दो, 9 बजे तक तो दे दो, और उसके बाद इतनी गर्मी होती है कि सनबर्न होने लग जाता है। और रोज के इतने ज़्यादा स्पेंट फ्लावर्स आने लग गए हैं अब, और पौधे जो हैं अब पता चल रहा है कि ये अब वापस जाने की तैयारी में है अगले साल आने के लिए। तो अभी मैंने कहा इसको आपको दिखा दें, इतने ज़्यादा मतलब आपको 20-30% स्पेंट फ्लावर्स होने शुरू हो गए हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा। और कई पौधे तो बिल्कुल अब ड्राई होना शुरू हो गए हैं पानी देते देते भी। तो बस ये चीज़ आप देख लो, एक बार एंजॉय कर लो। तो ये देखिए इनकी भी सारी मैंने कटिंग कर दी है, पहले कितने भरे हुए थे ये, और अब ये देखिए स्पेंट फ्लावर्स इनमें ज़्यादा होने लग गए हैं। तो अब थोड़े दिनों बाद अब इनमें मैं ये पिंचिंग करना बंद कर दूँगी और इनको सीड्स के लिए कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, और बोगनविलिया देखिए कितना खूबसूरती से इसमें फ्लावर्स आ गए हैं क्योंकि अब गर्मी का मौसम। देखिए कितने स्पेंट हैं, देखिए ये सब। अब तो मेरे हाथ दुख जाते हैं इनकी पिंचिंग करते करते, मन करता है कि बस ऊपर ऊपर वालों की कर दूं और जो अंदर है उनको छोड़ दूं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अब मैं एक बार इनका मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग व्यू भी दिखा दूंगी आपको। अभी शाम के टाइम ऐसे लग रहे हैं। अब इसके आगे जो गेंदे के पड़े थे वो थोड़े से मैंने इकट्ठे कर दिए हैं साइड में, अब वो भी स्पेंट हो चुके हैं। और ये जिनमें मैंने कम लगाए थे ना पौधे, इनमें मैं कह रही थी मैंने 3 ही पौधे लगाए हैं, इनमें नेचुरली प्लांट्स कम है तो आपको फ्लावर थोड़े कम दिख रहे हैं। पहले खूब थे, अब जैसे जैसे कम होने लगे हैं। इन गमलों में मैंने सिर्फ 3 पौध लगाई थी बस, और उनमें थोड़ी ज़्यादा पौध लगाई थी सामने वालों में, तो उनमें अभी तक फ्लावरिंग ज़्यादा है। और ये देखिए इनमें जितने स्पेंट भी उतने ही हैं और खिले हुए भी उतने ही हैं कि जगह भी नहीं दिख रही है अभी। कल मैंने इनको लिक्विड खाद दिया था, कल या परसों दिया था लिक्विड खाद इनको, और ये देर से खिले हैं। देखिए कार्नेशन, और कुछ फ्लावर्स अभी इस टाइम बंद होना भी शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये अब देर ये खिले हैं जिप्सोफिला, ये वाइट और पिंक कलर में आते हैं और बुकेज में बहुत काम आते हैं जिप्सोफिला। ये भी बीज पड़े थे उनसे हो गए हैं। ये अलाइसम देखिए, अलाइसम जिप्सोफिला ये लेट खिलते हैं फ्लावर्स, ये पूरा मैंने धूप में रखा हुआ था। इसके भी देखिए पत्तियों का, इतनी ज़्यादा धूप है कि खड़े नहीं हुआ जाता आजकल तो। और देखिए धूप ज़्यादा हो गई है तो ये खिलना शुरू हो गए हैं। अब यूफोर्बिया देखिए कितना खिलना शुरू हो गए हैं क्योंकि धूप इनको अच्छी लगती है, धूप आ रहे हैं तो अब ये खिलना शुरू हो गए हैं। और ये जो अब इनमें कुछ ये डॉग फ्लावर्स हैं ये भी सूखना शुरू हो गए हैं। ये तो एक्चुअली मेरी गलती के कारण शुरू हो गए हैं। मैं एक दो दिन कहीं गई थी तो मैंने क्या किया, प्रिकॉशनरी कि कोई पीछे से पानी देगा कि नहीं, इनके इनको टब में पानी डाल के रख दिया तो ओवर वाटरिंग हो गई। देखिए मैं आपको कहती हूँ ना, मैंने कहा पीछे से कोई पानी नहीं दे दे, तो मैंने इनको क्या किया टब में रख दिया पानी डाल के, तो ओवर वाटरिंग हो गई इनमें। और ये जो मैंने ओवर वाटरिंग से ये भी येल्लो होना शुरू हो गए हैं। देखिए इनमें भी एक पौधा मर गया, एक अभी है, ये ओवर वाटरिंग के कारण पीलापन है। पीलेपन के मैं रीजंस बताती हूँ ना, तो ये उसके कारण है। और ये देखिए डायमॉर्फो, डायमॉर्फो अब इस टाइम क्या है, शाम का टाइम है तो ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मेम्यूलस हैं,
मैमिलस भी अब जा रहे हैं, देखिए अब वो चीज़ वो रंगत नहीं है पौधों में, बस जब तक ये चलेंगे उनको उतने टाइम तक। मैं इवनिंग व्यू आपको फुल स्विंग में दिखाना चाहती थी, और यहाँ पर जो निमिशिया के फ्लावर्स थे वो भी प्लांट सारे सूख गए तो उनको मैंने फेंक दिया है। और ये देखिए ये ऑस्टियोस्पर्मम भी देखिए डल होना शुरू हो गए हैं। देखिए ऑस्टियोस्पर्मम के फ्लावर्स बढ़ गए हैं नंबर, पहले कम थे। और इनमें देखिए बीज आना शुरू हो गए हैं, ये प्रिमरोज की वैरायटी है जो सबसे पहले इसमें फ्लावर्स आना शुरू हुए थे, अब ये बीज आ रहे हैं, इनको रखूँगी मैं। ये दूसरी वैरायटी जो है प्रिमरोज की, ये अलग वैरायटी है, अब इनके बीज बनवाना के लिए मैं इनको छोड़ दूँगी, अब ज़्यादा पिंचिंग वगैरह नहीं करूँगी। और ये देखिए ये वाले जो हैं पेपर फ्लावर्स, पेपर फ्लावर कोई बिल्कुल मैच्योर हो तो मैं आपको उसके सीड निकाल के दिखाऊं, शायद ये वाला, ये देखिए ये देखिए ये अब इनमें बीज बनने शुरू हो गए हैं। ये जो आपको काले काले दिख रहे हैं ना हिस्सा, ये बीज है इनके, बस ऐसे इनको छाया में एक दो दिन सुखा के हम रख लें तो ये बीज हैं, अगले साल इनको हम लगा सकते हैं। और ये देखिए ये है डाइमॉर्फो, शाम के टाइम डाइमॉर्फो के फ्लावर्स जैसे आपको थोड़े यूं दिख रहे हैं ना, ये शाम को बंद होना शुरू हो जाते हैं, सुबह एकदम ऐसे धूप में खिले रहते हैं ये, तो अभी शाम का टाइम है तो ये बंद होना शुरू हो गए हैं। और डॉग फ्लावर में भी सीड्स बनने शुरू हो गए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैंने इसका एक सीड वाला निकाल के रखा था, ये देखिए ये जो है ना ये डॉग फ्लावर में सीड है, और ये ओवर वाटरिंग के कारण देखिए पीले हो रहे हैं, देखती हूँ शायद ये ठीक हो जाए अब एक दो दिन को पानी नहीं दूँ तो। और ये देखिए कलांचू में अब फ्लावरिंग होने, ये पहले बहुत अच्छा था, थोड़ा डल हो रहा है, देखिए ये कलांचू में फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। ये मेरा लास्ट ईयर वाला बचा हुआ कलांचू, एक ये भी है और एक वो वाइट दिखाती हूँ, ये देखिए कटिंग्स हैं मेरी कलांचू की लास्ट ईयर की, ये कटिंग है, ये मैं कटिंग लाई थी, अलग अलग लगा दी, एक ही में लगा देती तो ये देखिए कलांचू में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कटिंग्स छोटी छोटी लाई थी मैं खरीद के, शायद 10-10, 12-12 रुपए की थी, कितने की थी। और ये देखिए मैंने ये तीन कटिंग्स या चार कटिंग लगाई हुई हैं एक गमले में, ये मेरे घर की कटिंग है जो मैंने कलांचू जो है कटिंग से उगाए थे, ये मैजेंटा वाले हैं, ये देखिए ये लास्ट ईयर का मेरा बचाया हुआ प्लांट है, इसमें से मैंने कटिंग्स नहीं बनाई लेकिन ये बचाया हुआ प्लांट है, इसकी इस साल कटिंग बना लूँगी मैं। ये देसी वाला कलांचू, इसकी 3-4 कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं इसमें, अभी इनमें फ्लावरिंग इतनी नहीं है देसी वाले में। ये देखिए ये मेरे घर के कलांचू की कटिंग्स हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब प्रूव हो गया ना कि कलांचू कटिंग से भी लग सकता है, ये कटिंग मैं ख़रीद के लाई थी, ये मेरा लास्ट ईयर का बचाया हुआ कलांचू का प्लांट है, इस बार इसकी भी कटिंग बनाऊंगी मैं। इस बार मैंने सिर्फ रेड की बनाई है, ये देखिए ये भी कटिंग वाला है, ये कितने अच्छी कटिंग्स में देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। ये बीच में देखिए वीड उग गया है, ये क्या है ऑक्सैलिस है, इसमें भी पर्पल फ्लावर आते हैं लेकिन ये वीड वाला ऑक्सैलिस है, ये देखिए इसको मैं हटा देती हूँ, ये देखिए इसमें भी कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। देखिए जब आप कटिंग से कोई प्लांट लगा रहे हैं और उसमें इतने घने और सुंदर फ्लावर्स आते हैं, ये सारे कटिंग के दिख रहे हैं आपको, ये मैं लाई हुई हूँ, ये रेड अगेन घर वाली कटिंग का है, ये देसी वाले कलांचू है, देखिए इनमें जो है वो छोटे होते हैं ज़्यादा फूल, और इनको जब आप गुच्छे में उगाते हैं ना, ये वाला देखिए देसी वाला कलांचू ऊपर दिया दिखाती है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे कि घर की कटिंग से लगे हुए कलांचू में इतने फ्लावर आ रहे हैं, देखिए। अब मैं और इस बार कटिंग्स बनाने की कोशिश करूँगी, ये देखिए ये जो होता है ना ये देसी वाला है, ये खूब सारा एक साथ लगता है, एक रो लगाएं बहुत खूबसूरत लगती है। इस बार मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरे सारे कलांचूज हैं, ये देखिए साइक्लेमेन, साइक्लेमेन थोड़ा सा एक्जॉटिक प्लांट में आता है और ये हिली एरियाज में तो गर्मी में भी बचा रहेगा, अब मई जून में भी मिल जाएगा आप शिमला वगैरह जाएंगे तो। और अभी तक यहाँ पे भी देखिए इसमें ये कली आ रही है, इसमें फ्लावर्स अभी तक भी
जो है वो ये देखिए, अभी भी इसके फ्लावर्स आए जा रहे हैं, लेकिन बस इसको मैंने थोड़ी छाया में रखा हुआ है। और ये देखिए, फिर एक छोटी सी कटिंग है क्लाइंट, ये उसकी कटिंग है वो जो मैंने अभी घर में उगाया वाला वाइट दिखाया था आपको, उसकी एक ब्रांच यूँ टूट गई थी तो मैंने लगा दी थी, तो वो भी लग गई है एज अ कटिंग। और ऑस्टियोस्पर्मा, अब देखिए ये दिया मेरे को बोलती है अपना डिप्रेसिंग बातें करे जा रहे हो, डिप्रेसिंग नहीं है, देखिए इनकी एज इतनी है। अब इनमें देखिए, अब इनमें ए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये बीज, ये जो बिंद काली काली बिंदियाँ दिख रही हैं ये इसके बीज हैं, आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ल्यूपिन के बीज, जैसे मटर की फली होती है ना, ऐसी फली आनी शुरू हो गई है। और अभी इनमें देखिए, ये छोटे पौधे थे, इनमें कलियाँ आ रही हैं, ये इनमें अब फ्लावरिंग होगी। जो छोटा पौधा हम लगाते हैं ना, उसमें फिर देर से फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, अब इनके मैंने कल ना ये जो स्पेंट हैं इनको हटाया है देखिए, और ये ऐसे स्पेंट वालों को इनको मैंने हटाया है, और ये अब दोबारा से इनमें एक बार और इनमें फ्लावरिंग होगी। और इसको साल्विया के भी मैंने पुराने जो इन्फ्लोरिसेंस थे उनको हटाया है। और अब इसमें भी री ब्लूमिंग होगी, या फिर टाइम निकल गया, देखते हैं। एक बार हटा के इसको मैंने खाद तो दे दी है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, पौधा क्या चाहता है। देखिए पत्तियां, देखिए कैसे होनी शुरू हो गई हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, एकदम से बहुत तेज़ गर्मी हो गई। और मैंने वो जो होशियारी करी है ना कि टब में पानी ज़्यादा भर के इनको छोड़ दिया, तो ओवर वाटरिंग हो गई। कम पानी डालना चाहिए था, टब में रखे थे आधा आधा गमला जितना, ज़्यादा डुबो दिया तो वो उनमें, इससे अच्छा तो घर में इनको कह जाती कि पानी दे दें। मैंने होशियारी ज़्यादा की है, उसका मुझे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। तो ये देखिए मार्च में ये जाते जाते पौधे जो हैं वो किस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये अलाइसम, ये डायंथस हैं, और पिटूनिया। यहाँ से अभी दो गमले कल मैंने उतारे थे, इंस्टाग्राम पे लाइव में मैंने रखे थे टेबल पे, और अभी वो नीचे पड़े हैं, उनको लेके आऊँगी ऊपर। और ये इस बार मैंने कम लगाए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप लगे हुए। ये देखिए थाइमोफिला, थाइमोफिला भी क्या है कि थोड़ा लेट उगते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये नास्टेशियम। और देखिए एक दो कटिंग्स जो मैंने यहाँ लगा दी थी, इनमें भी देखिए ये छोटी छोटी कटिंग्स हैं, इनमें कलांचू कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए वाइट फ्लावर्स के बीच में रेड रेड कलांचू सुंदर लग रहे हैं। इन कटिंग्स को निकाल के अब मैं कहीं और से, और ये डॉग फ्लावर जो मैंने लेट लगाए, ये देखिए उसकी पौ दिखती, अभी ये धूप नहीं मिल रही है ना इसलिए। और इनको अभी मैंने यहाँ छाया में रख दिया, देखिए पॉइंसेटिया को, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है। ये जो है वो है एरेंथिमम, देखिए इसके भी ये एंथूरियम है सॉरी, और एंथूरियम के ये देखिए फ्लावर्स अब थोड़े, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मुझे अब इसको नीचे ले जाना पड़ेगा एंथूरियम को। एंथूरियम इनडोर चलता है और या फिर छाया में चलता है, लेकिन अब धूप बहुत ज़्यादा, मतलब अनबेरेबल हो गई है धूप। अब लिख आ गया, मिलो बुच्चो मिलो छोना बच्चा, बाबा बैठ जाओ, बाबा ये बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा बेटा, शाबाश गुड बॉय। और ये देखिए छोटे से पौधे में ये शिमला मिर्च, बस ये यूं ही लगा हुआ है, इसकी कोई केयर वेयर तो नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखिए ये शिमला मिर्च है ना, और ये सारे जिप्सोफिला, ये देखिए जिप्सोफिला खूबसूरत तो लगते हैं, ये देखिए बल्क में लगे हुए हों तो जिप्सोफिला बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये नेक्स्ट टाइम ना मैं कोई नीचे जगह पे लगाऊंगी, ये ऊपर लगा दिए ना, ये नीचे क्यारी में लगे हों बहुत खूबसूरत लगे हैं जिप्सोफिला। और ये एक और कलांचू है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये,
और अगेन ये मैक्सिकन पेटूनिया है, लेकिन अब इस टाइम शाम के टाइम बंद हो गए हैं। ये कैलिफोर्निया पॉपी है, ये बंद हो गए हैं। देखिए कुछ बचे हुए पौधे जो मैंने गेंदे के लगाए हुए, उनमें कितने खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं देखिए। और ये जो डॉग फ्लावर मैंने घर के वाले लगाए हैं, इनमें अब कलियाँ आने शुरू हो गई हैं, ये भी थोड़े दिन में खिल जाएंगे। और इन ये भी अब इनमें सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। ये उधर से धूप आती है ना, देखिए ये धूप की साइड ज़्यादा खिलते हैं ये। और फिर वही, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। मुझे हर फ्लावर अच्छा लगता है, पिटूनिया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक मुझे ना जुरेनियम, जुरेनियम भी मुझे अच्छे लगते हैं। जुरेनियम भी बहुत पसंद है मुझे, जरबेरा भी बहुत पसंद है। अब इस टाइम जरबेरा का मौसम आ गया, अब जैसे जैसे धूप और गर्मी बढ़ती है ना, तो अब देखिए जरबेरा में फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये कलियाँ, ये कलियाँ, ये कली, इस वाले में कली, उसमें कली, फ्लावर इसमें फ्लावर, और ये देखिए साथ में कली। तो ये जो मौसम इस टाइम चल रहा है, इसमें जिनके पास भी जरबेरा होंगे इस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं जरबेरा। तो ये कोलियस देखिए, कोलियस भी कुछ फेड हो रहे हैं, कुछ का कलर सही चल रहा है। और ये कोलियस में ये टमाटर उगे हुए हैं देखिए, ये अपने आप ही कोई पौधा टमाटर का उग गया है देखिए। पिटूनिया अभी तक बस हॉलीहॉक में फ्लावरिंग नहीं हुई है मेरे यहाँ, और सब चीज़ों में फ्लावरिंग हो गई है। और गजानिया बंद हो गए हैं शाम को। और ये देखिए इम्पेशंस, अभी इम्पेशंस में पानी नहीं है इस टाइम। और इसको देखो आप, ये यहाँ पे खड़ा होके बाहर देख रहा है, और देखो ये शिमला मिर्च को सूंघ रहा है, वो देखो। ये जो बीगल्स है ना, ये सेंट हाउंड होते हैं, इनको खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो ये पौधों की ना, देखो आपने देखा शिमला मिर्च को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया इसने, बस ये ऐसे पौधों को सूंघता रहता है, इसमें से जो खुशबू आती है। और अब ये क्या है, इसको बच्चों की आवाज़ आ रही है, आपको भी सुन रही हो तो। अब ये बच्चों को यहाँ से खड़ा होके देखो कितने कितने ध्यान से ये, और हम इसकी वीडियो बनाने लगते हैं तो भाग जाता है ये बहुत बदमाश है ये। और वो देखिए, वो है थाइमोफिला, जहाँ जहाँ थोड़े अपने आप उग गए हैं वो है। और ये गजानिया है, गजानिया अभी चलेंगे, ये धूप अभी शाम हो गई है इसलिए थोड़े बंद हैं ये, लेकिन गजानिया अभी चलेंगे। और बाकी देखिए इस तरह से वो ऊपर वाली वो टोकरी कितनी अच्छी चल रही है पिटूनिया की, उसके साथ वाली वो वाली भी बहुत अच्छी है। इस वाली में भी अब फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, और इस तरफ ज़्यादा है थोड़े। और ये छोटी वाली हैंगिंग बास्केट्स काफ़ी टाइम से चल रही हैं, ये छोटी वाली हैंगिंग बास्केट्स, ये देखिए इनकी अभी मैंने कटिंग कर दी हुई है, स्पेंट फ्लावर्स को हटा दिया हुआ है। और इसमें भी ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। अब ये इस तरह से चल रहे हैं, अब मैंने आप लोगों को इतना प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इवनिंग व्यू दिखाऊंगी, लेकिन मैंने जाने के चक्कर में कुछ, देखिए ये लास्ट ईयर के डॉग फ्लावर का बीज था, कितना प्यारा फ्लावर आया है। देखिए कलर देखिए इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आया है, मजेंटा और ऑरेंज। जिप्सोफिला बीच में उग गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इवनिंग वाला व्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। देख नास्टेशन का एक अलग ही रंग है, देख।